हेलो गाइज, वेलकम टू SKM डिजिटल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, फैमिली आईडी कार्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल के माध्यम से आप फैमिली आईडी कार्ड बना सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फैमिली आईडी कार्ड किन लोगों को बनाना है, किन लोगों को नहीं बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि फैमिली आईडी कार्ड किन लोगों को बनाना है। देखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है, यानी आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो आपको फैमिली आईडी कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस पोर्टल पर लॉगिन करके बस आपको अपने फैमिली आईडी कार्ड को प्रिंट कर लेना है। जो आपके राशन कार्ड नंबर होता है वही आपका फैमिली आईडी नंबर होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है, यानी आपका राशन कार्ड नहीं बना है, तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके फैमिली आईडी कार्ड बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आपको किस तरीके से फैमिली आईडी कार्ड को प्रिंट करना है। इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके फैमिली आईडी कार्ड बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैमिली आईडी बनाने के लिए आपको family.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक नोटिस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, वर्तमान में राशन कार्ड से आच्छादित समस्त लाभार्थी फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल पर जाकर अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समस्त परिवार जो कि राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, वह फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करते हुए फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार बेस्ड EKYC किया जाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करके अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो वही राशन कार्ड नंबर आपका फैमिली आईडी कार्ड नंबर होगा। बस आपको केवल फैमिली कार्ड प्रिंट करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देखने को मिल जाएगा कि परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से EKYC किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार नंबर कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी तथा उनको फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पीछे आपको बताते भी आया हूँ कि आपके पास अगर राशन कार्ड नंबर है तो आपको फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। फैमिली आईडी के अद्यतन स्थिति को 15 अंकों का एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नेम इंटर करना है। जो आपके आधार कार्ड पर आपका नेम है वही नेम आप यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैप्चा कोड का। आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आ गया थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुल। यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन इन टू कंटिन्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको यहां सेंड OTP पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को आप यहां पर इंटर करेंगे और इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर इंटर करके आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आप लॉगिन हो चुके हैं और यहां पर आपका वेलकम में आपका नेम ऊपर दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ने हेतु आधार नंबर दर्ज करें, यानी यहां पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर इंटर करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है, और यहां पर आपका नाम आ जाएगा, यहां पर आपका जेंडर देखने को मिल जाएगा और आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं यहां पर आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फैमिली आईडी देखने एवं प्रिंट हेतु आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी भेजें, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पर इंटर करेंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओटीपी वेरीफाई करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपकी फैमिली आईडी यहां पर है और प्रिंट करने है तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, यहां पर आपकी फैमिली आईडी आ गई, आपके परिवार के कुल सदस्य कितने हैं वो यहां पर आ गया, जारी करने की डेट यहां पर देखने की मिल जाएगी और आपका जो फैमिली के मुखिया हैं वहाँ पर उनका फोटो और नेम आ जाएगा, आधार कार्ड भी आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे कि जितने भी इसमें कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी सदस्यों की यहाँ पर नेम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक बार कोड भी देखने को मिल जाएगा, इस बार कोड को स्कैन करके भी आप इसके बारे में डिटेल में पता लगा सकते हैं। यह कार्ड सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं हेतु मान्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का, तो आपको यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेज इस तरीके का ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, हमको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। अब इसे हमें कहाँ पर डाउनलोड करना है वो ओपन हो गया है, तो हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो फैमिली आईडी कार्ड है वो प्रिंट होकर हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली आईडी कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके पास राशन कार्ड है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है फिर तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो। गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास राशन कार्ड नंबर है तो हमें किस तरीके से अपने फैमिली आईडी कार्ड को प्रिंट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।